नया संसद भवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए नए संसद भवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आने वाले एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। नए संसद भवन से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो आपको मालूम होना चाहिए आधारशिला कब रखी थी, 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। सेकेंड क्वेश्चन ये है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीन देखते हैं। सवाल नंबर तीन क्या कहता है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है, कहाँ बनाया गया है, भारत का संसद भवन नई दिल्ली में बनाया गया है, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर चार, नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो कैसा आकार है फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए त्रिकोणीय आकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच कहता है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया। तो फ्रेंड्स किस कंपनी ने किया, टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर छः। सवाल नंबर छः कहता है, नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया। तो फ्रेंड्स किस कंपनी ने तैयार किया, एच सी पी डिजाइंस कंपनी ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर सात, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो जो नया संसद भवन बना है उसमें लोकसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई हैं। तो आंसर आपको मालूम होना चाहिए, 888 सीटें बनाई गई है लोकसभा के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहता है, लोकसभा चैम्बर, जो लोकसभा चैम्बर बना गया है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। किसके थीम पर आधारित है, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। सवाल नंबर आठ, सवाल नंबर आठ देखते हैं। कहता है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, राज्यसभा के लिए हैं आपकी 543 सीटें। राज्यसभा के लिए आपकी कितनी सीटें हैं, 543 सीटें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहता है, राज्यसभा का चैम्बर, जो राज्यसभा का चैम्बर बनाया गया है वो राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर तैयार किया गया है, राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर तैयार किया है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नौ कहता है, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपये का खर्च आया है। तो फ्रेंड्स लगभग कितने रुपये का खर्च आया है, 1200 करोड़ रुपये का खर्च आया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है, नए संसद भवन कितनी मंजिला इमारत है। तो कितने मंजिला इमारत है, नया संसद भवन 4 मंजिला इमारत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया है नए संसद भवन के उद्घाटन पर, 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 कहता है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है, विमल पटेल, आपको मालूम होना चाहिए विमल पटेल वास्तुकार हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है। तो क्या रखा है फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए सेंगोल, क्या रखा है सेंगोल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो कितना है, लगभग कितना है, लगभग है आपका 65,000 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, अगला सवाल 15, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? 6, राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो पुराना संसद भवन जो है वो कब बनकर तैयार हुआ था? 1927 में, 1927 में तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? आपको मालूम होना चाहिए लॉर्ड इरविन ने किया था, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 18, पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें थी, तो पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें थी? आपको मालूम होना चाहिए 543 सीटें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थी? तो राज्यसभा के लिए पुराने संसद भवन में कितनी सीटें थी? 250 सीटें थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 कहता है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग हैं, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21 कहता है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22 कहता है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? आपको मालूम होगा ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।